कुछ ये माहौल है जी। आज बारिश हो रही है बढ़िया वाली और टेम्परेचर भी बहुत सेक्सी सा हो रहा है। बट जी लॉकडाउन है तो एंजॉय मारो घर पे। तो जी फिलहाल की कहानी ये है कि कल रात से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शक्ल भी पूरी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे बैक में बहुत मतलब साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, तो उसको ज़रा सा देखते हैं, होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जी फिलहाल मेरी हालत यह है कि 2 दिन में मैं 3 बार इंजेक्शन ले चुका हूँ, क्योंकि मेरी हालत बिगड़ी हुई है थोड़ी सी। मुझे राइट किडनी में स्टोन है 4 mm का, तो उसका वैसे वो तो करा लिया, बट अभी एक सीटी स्कैन और कराना है ताकि कि क्लियर हो जाए कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिलहाल NCCT के लिए आए हैं हम यहाँ पे, ECG नहीं NCCT, तो उसके लिए अभी प्रेशर बनाया ताकि कि वो ढंग से हो जाए। मुँह की हालत ये हो गई है थोड़ी सी, अभी पता नहीं क्या हुआ है, चेक कराते हैं। आई होप कि वो ना हो जो उसमें निकला था, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल NCCT तो करा लिया है, अब रिपोर्ट कल आएगी, थोड़ी बहुत आ जा जाएगी, वैसे मतलब पिक्चर वाली आ जा जाएगी, जो लिख के जो पूरा प्रोपोज में लिखा होगा वो सब कल मिलेगी, 24 घंटे में मिलती है। पता नहीं क्या ही करें जी, अभी ना हो कुछ तो बढ़िया हो जाएगा, बाकी देखते हैं। तो वहाँ पे हो रही है जी बोटिंग, और वहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, और क्या बोलते हैं उसे, मछली पकड़ रहे हैं कुछ लोग। और ये पूरा जमुना है ना, ये जमुना जी के किनारे हैं अभी, तो बहुत बढ़िया सा हो रखा है यहाँ पे। वैसे भी हमें कुछ पता नहीं था हमें कहाँ जाना है, और मैंने इस वीक लास्ट वीक जो था मेरा, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग वीक था ये लास्ट वीक जो मेरे लिए था। वो डेवास्टेटिंग इसलिए था क्योंकि मुझे 2 दिन तो बहुत ज़्यादा पेन रहा अपने राइट साइड स्टमक में, और फिर उसका मैं अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, और अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मुझे राइट साइड किडनी में 4 mm का स्टोन है। तो वो स्टोन बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, मतलब 2 दिन में मैंने 3 इंजेक्शन लिए थे पेन किलर के, वो भी ज़बरदस्त वाले, उससे थोड़ी सी हालत ऐसी हो गई फेस वेस की भी, तो इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। तो मैं कुछ था नहीं, तो इस बार पेरेंट्स अभी निकल रहे थे कुछ काम के लिए, तो मैं भी उनके साथ आ गया, तो मैंने उसे रास्ते में कुछ शूट कर लूँगा और बता दूँगा कि इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया इस वीक। बट मौसम बहुत बढ़िया सा हो रहा है, धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है आज, गर्मी वाला माहौल ही हो रखा है पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं सारे कुछ काम से मम्मी पापा, और मैं रास्ते में शूट कर लूँगा, तो ये वजह से इस वजह के वजह से मैं शूट नहीं कर पाया इस वीक। बट अभी मैंने NCCT कराया था 2 दिन पहले, तो उसमें हमें ये मिली है, रिपोर्ट में ये आया था कि मेरी किडनी से तो स्टोन बाहर आ गया है, बट वो ब्लैडर में आ गया है, बट वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो ये हम मेरे को अच्छी न्यूज़ मिली है, पेन हट गया, क्योंकि पेन बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि स्टोन था फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब पेन ऐसा था कि ना तो मैं बैठ पा रहा था, ना मैं लेट पा रहा था, और ना ही कुछ चल पा रहा था, मेरी ऐसी हालत थी। 2 दिन तो बहुत बुरी हालत रही, बट अब ठीक है, शुक्र है कि ठीक है। ऐसा वो चेक करेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम ये है, चेक वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, आपको पता ही है घर का ही सारा खाना पीना खाता हूँ, और मैं प्रोटीन वगैरह भी नहीं लेता, क्योंकि कईयों के माइंड में होता है ना कि प्रोटीन के थ्रू भी हो जाती है अगर कोई ले लिया तो, बट मैंने आज तक प्रोटीन भी नहीं लिया, सारा वो डाइट के थ्रू ही लेता हूँ मैं, जो सिंपल घर की डाइट होती है उसके अलावा नहीं लेता। तो इस वजह से उसका स्टोन का चेक होगा कि वो किस वजह से हुआ और मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि मेरा कोई चांस नहीं था, कि मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीता हूँ तो इस वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल उसका चेक होगा, पेन से बच गया, बस ये चीज़ बढ़िया है मेरे लिए। बाकी जी माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये कुछ बना हुआ है वहाँ पे, वो है यमुना है, टिकटॉक बना बढ़िया हुई है, मौसम बहुत बढ़िया है आज, धूप हो रखी है ना एकदम तगड़ी वाली, लग रहा है कि गर्मियाँ आ गई, अभी सर्दी से परेशान थे अब गर्मी गर्मी करेंगे, सही है।
तो वो जो मैंने आपको नाव दिखाई थी ना, एक्चुअली वो मछली नहीं पकड़ रही थी। वो जो भी आपको मैंने भीड़ दिखाई ना, वहाँ पे 1 बजे के आसपास एक लड़का लड़की ऊपर से जंप कर गए थे पानी में, तो जो बोट थी वो उन्हें ढूंढ रही थी। तो ये थोड़ी सी मुझसे कंफ्यूजन हो गई। हम बाहर गए तो हमने देखा कि वहाँ भीड़ हो रही है, तो हमने पता करा वहाँ पे कि क्या हुआ है। तो फिर पता चला कि 1 बजे के आसपास कोई लड़का लड़की वहाँ से जंप कर गए थे, तो वो जो बोट थी वो उन दोनों को ढूंढ रही थी। ठीक तो शायद वो नहीं होंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था ढूंढने में, तो शायद वो बॉडीज़ ढूंढ रहे होंगे उनकी। बाकी क्या ही बोले, बस बहुत ज़्यादा अभी माइंड में ना सबके थोड़ा सा वैसे से हो गए हैं, तो बहुत जल्दी लोग यही डिसीजन ले लेते हैं रॉन्ग वाले। तो मुझे ये पेटीएम और फ़ोन पे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना इनकी, तभी उस टाइम पे इनका नेटवर्क चला जाता है और ये पेमेंट कैंसिल करते रहते हैं। बस शुक्र ये है कि मेरे पास कार्ड था तो मुझे कार्ड से पेमेंट करनी पड़ी, बट यार किस काम के जब ज़रूरत होती है, अगर तभी इनका नेट चला जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो और डर रहता कहीं साल इनसे ना हो जाए, बट कैंसिल तो हो गया, होप वो कैंसिल ही रहे। बाकी आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक रहें, सेफ रहें और चीज़ों से बचें यार, क्योंकि मैं तो बचता हूँ बहुत, फिर भी मुझे ये चीज़ दिक्कत हो गई। बाकी कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। और इट्स मी राघव सियार, साइनिंग ऑफ राइट नाउ, सी या।